वेलकम टू सारिक ब्लॉग। दिस वीडियो हमने ये प्लान करके किया कि कश्मीर से वापस आते ही मैं सोचा आपके साथ सारा इन्फॉर्मेशन, बजटिंग, ऑल द खुफिया जानकारी सब शेयर कर दूँ। तो इन्फॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे, क्या है इन्फॉर्मेशन। और एक्चुअली जब कश्मीर ट्रिप स्टार्ट हुआ ना, तब मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, यूट्यूब वीडियो देखा, बहुत फ्रेंड्स लोगों के साथ पूछा कैसा है और इज़ दिस सेफ और क्या क्या मुझे लेना चाहिए सामान मेरे साथ। तो मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला और मैंने सोचा भाई कश्मीर तो बन गई इस बार और मैं पूरा प्लान करके जा रहा हूँ और आई विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। फिर कश्मीर पहुँच गए, इन्फॉर्मेशन फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर वन। क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम क्या आया, मैं जब बैंगलोर एयरपोर्ट से घर आया तब मैंने देखा 139 मिस कॉल नोटिफिकेशन। इट मींस आई एम अ प्रीपेड यूजर और मेरा फोन कश्मीर में नहीं चला। तो अगर आप प्रीपेड यूजर्स हैं तो इट मींस दैट योर फोन विल नॉट वर्क इन कश्मीर। सो ओनली पोस्टपेड सिम ही चलता है वहाँ पे, प्रीपेड सिम नहीं चलता है। टू हाउ डू आई फिक्स दैट इशू, मुझे नहीं पता। आपके मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर से बात कीजिए, इफ दे हैव अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस चेक विद देम, इफ 7-15 दिन के लिए वो कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं फॉर कश्मीर टू यू विल गेट द नेटवर्क, बट नॉट श्योर। एंड मुझे नहीं लगता कि दैट्स अ गुड अप्रोच टू चेंज फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्टपेड। आई डोंट नो, मे बी द मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर मे हैव द सॉल्यूशन। सो ये है प्रॉब्लम नंबर वन। सेकेंड प्रॉब्लम, दूसरा चीज है, कश्मीर में पावर का इशू बहुत है। तो आप मुझे पूछेंगे इसके साथ ट्रिप का क्या रिलेशनशिप है? यस, रिलेशनशिप इज देयर। रिलेशन क्या होता है, आप होटल बुक किए तो आपने देख लिया मेरा होटल है 3-star 4-star प्रॉपर्टी, बेस्ट प्रॉपर्टी, बट वहाँ पे जब पावर कट होता है अराउंड 4-5 hours तो क्या है ना, पावर नहीं रहता है तो आपका जनरेटर अगर रहता है तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो बहुत बार जनरेटर का प्रॉब्लम आता है और उसके वजह से आपका रूम हीटर, जो बेड हीटर जो बोलते हैं, वो नहीं चलता है। तो कश्मीर का टेम्परेचर आपको पता है, इट्स अराउंड ऑलवेज इन माइनस इन विंटर। तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है इफ़ यू हैव सीनियर्स पीपल लाइक सीनियर्स टू योर पेरेंट्स, दे मे सफर लॉट ऑफ थिंग्स। सो जब भी आप होटल बुक कीजिए तो क्रॉस चेक दैट वन, बिकॉज कश्मीर हैव अ लॉट ऑफ पावर इशू। तीसरा चीज, वहां पे कोई भी फोन पे, गूगल पे, कोई भी ऐप नहीं चलता है। सॉरी आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट आई एम जस्ट टेलिंग लाइक दैट, वहां पे ऐप नहीं चलता है क्योंकि वहां पे इंटरनेट का बहुत इशू है। होल इंडिया इज रनिंग 3G, 4G, 5G, बट कश्मीर इज रनिंग 2G, इट्स रन, दे आर रनिंग विद 2G। सो बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई भी ऐप नहीं चलता है। तो आप ऐसा कीजिए, आपको कैश ट्रांसफर ही करना पड़ेगा हर जगह कैश। सो इवन आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो मशीन रहता है, शॉपिंग मशीन, वो भी काम नहीं करता है वहाँ पर। आई थिंक हर शॉप में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ होटल्स में, बड़े रेस्टोरेंट्स में वही मिल सकता है, बाकी तो कहीं पे है नहीं जो मैंने देखा है। तो इन्फॉर्मेशन थ्री हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। फोर्थ वाला इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ये है, मैं किसी को यहाँ पे या फिर ऐसे, मतलब मेरा कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ ये बताना चाहता हूँ, आप अगर कोई भी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाते हो तो हमेशा याद रखना कि लोकल ट्रैवल एजेंसी हो। मतलब मुझे अभी अगर कल कहीं और जगह, लाइक मालदीव्स और मे बी अंडमान और मे बी केरला, तो मुझे हमेशा लोकल ट्रैवल। सो सेम थिंग, इफ आई ट्रैवलिंग कश्मीर, सो टेक अ लोकल ट्रैवल एजेंट, बिकॉज दे कैन प्रोवाइड द बेस्ट बजट फॉर यू, बेस्ट ट्रैवल सोल्यूशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बाहर से कोई मुंबई से, दिल्ली से बोलेगा, आपको फ़ोन करेगा, मेरा बहुत बड़ा ट्रैवल एजेंसी है, आई एम रनिंग विद 12 years, 15 years, आई हैव अ ऑफिस इन, मेरा भाई है कश्मीर पे, मेरा सप्लायर है वहाँ पे, वहाँ से मत लीजिए, लोकल से ही लीजिए जिनका श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में ऑफिस हो, एंड वो ही बेस्ट रहता है हमेशा।
कभी मुंबई दिल्ली जितना भी बड़ा नाम हो ब्रांड हो उससे मत लीजिए, क्योंकि वो लोग आपको हेल्प नहीं करेगा। ही इज अ मीडिएटर बिटवीन लोकल सप्लायर एंड यू, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। एंड ऑफ द डे जो लोकल ही होगा वही आपको हेल्प करेगा। ये है चौथा चीज है, आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो श्रीनगर से मत खरीदिए। मैं बोलता हूँ वहां पे कैपिटल है और 50 रुपए का चीज 500 में बिकता है, तो आप पहलगाम जाए, गुलमर्ग जाए, वहां से ही शॉपिंग कीजिए, चाहे तो विंटर क्लॉथेस, चाहे ड्राई फ्रूट्स, चाहे कोई भी चीज वहां से शॉपिंग कीजिए, क्योंकि वहां के लोग थोड़े पुअर हैं और वहां पे इतना फैसिलिटी भी नहीं है। सो लेट्स हेल्प देम। वन मोर थिंग्स ऑन द बजटिंग पार्ट, एक है, आप अगर 4 नाइट 5 डेज के लिए जा रहे हो, आपको 4 नाइट 5 डेज में द मैक्सिमम बजट इज 20K। डोंट स्पेंड मोर देन, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट 17 से 19 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 20K ही बजट होगा अगर कोई भी। और 5 नाइट 6 डेज का 23 मैक्स। अगर आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट इससे ज्यादा पैसा मांग रहा है उसको मत दीजिए। जस्ट टेल दैट आई नीड विथ अ 4-स्टार प्रपोर्ट इज 20K, वही बेस्ट है। दैट इज नॉट बी मोर देन 20-23,000, आई विल सजेस्ट यू। एंड अगर आप खुद से भी जा रहे हैं तो भी आपका अगर 20K से ऊपर जा रहा है तो यू नीड टू वेरीफाई एवरीथिंग, यू नीड टू क्रॉस चेक योर बजटिंग। प्लीज ट्राई टू रिड्यूस इट, इट्स नॉट वर्थ इट। इसका पूरा टूर गाइड में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, मतलब बजटिंग के ऊपर नहीं, लेकिन कौन सा बेस्ट प्रॉपर्टी होगा, किसके साथ जाना है, किस ड्राइवर के साथ, कौन सा एजेंसी क्या है, वो पूरा देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया, बजटिंग हो गया। Q&A में 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली Q&A हम लोग इतने बड़े सब्सक्राइब यूट्यूबर्स नहीं है और हमको इतना क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन 2-3 जन मेरे फ्रेंड जो है जो मुझे कॉल करके पूछे थे, सत्या इज द कश्मीरी सेफ, आई टोल्ड यस डेफिनेटली यू कैन गो इट, बिकॉज कश्मीर पीपल ऑलवेज हेल्प द टूरिस्ट, क्योंकि उनको पता है भाई टूरिस्ट ही हमारे माई बाप है, वो उनका वजह से हमारा जो भी खाने पीने का अभी मिलता है उनके वजह से ही मिलता है। तो इट्स डेफिनेटली सेफ, दे विल हेल्प यू आउट, दे आर वेरी गुड। वट एवर दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर गवर्नमेंट्स, नॉट विद द टूरिस्ट। सो इट्स डेफिनेटली कश्मीरी सेफ, यू शुड विजिट इट। तो इतना ही है, बाकी मेरा पूरा टूर गाइड जो है वो पूरा एक लंबा वीडियो पे डाल रहा हूँ, शायद बोर लग सकता है, लेकिन उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है। प्लीज वॉच माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।